नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते, अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चल पापा जी। बेटा पापा जी, वो मुझसे ना घर का काम नहीं होता, इसलिए मैंने घर में काम वाली रख ली है। नमस्ते अंकल जी। काम वाली रख लिया? अरे बेटा, इसने मुंह क्यों ढक रखा है? ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है। अरे मुंह दिखाओ ना। वो क्या है ना अंकल जी, हमारे गांव में ना रिवाज है कि बड़े बुजुर्गों के आगे ऐसे ही मुंह ढक के जाया जाता है। हमें मुंह दिखाना ऐसे अलाव नहीं है। अरे मैं तुम्हारी पापा को उम्र का हूँ, बुजुर्ग हूँ। अरे मुंह दिखाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे पापा जी, आपको उसका मुंह क्यों देखना है अगर वो नहीं दिखाना चाहती? और आपको तो लेट हो रहा है ना, योगा क्लास जाना है। चला जाऊंगा बेटा, चला जाऊंगा। तू मेरे साथ किचन में चल, तुझे किचन दिखा देती हूँ। जी आजा। इसकी चाल भी मर्दाना है और इसकी आवाज भी मर्दाना सी लग रही थी। दाल में कुछ काला है, जाकर देखता हूँ। अब तो अपना मुंह दिखा दे जाने मन। क्या बात है, जच रहे हो? अरे क्या जच रहे हो, तुम्हारे प्यार के चक्कर में ऐसे लड़की बनके घूमना पड़ रहा है। पर तुमने तो बोला था तुम्हारा ससुर जाने वाला है, लेकिन वो तो यही मंडरा रहा है ना। धीरे बोलो, अभी मेरे ससुर गए नहीं है, बाहर ही बैठे। हाँ, तो कब जाएगा? ओ छोड़ो, और ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? अब समझ में आया, नौकरानी के भेष में बॉयफ्रेंड, माजरा तो कुछ और ही था। तुम तो हमेशा की तरह मस्त लग रही हो मेरी जान। रुको रुको, मैं अपने ससुर को देख कर आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। आ रही हूँ। अरे पापा जी, आप अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ बेटा, अभी जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ। देखो बेटा, मेरे को 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे योगा करने में। ठीक है पापा। बहुत टाइम हो गया। बेबी, अरे क्या कर रहे हो? पापा जी अभी गए नहीं, यहीं हैं। अरे देखा मैंने, चले गए वो। और देखो मेरी हालत, तुमसे मिलने के चक्कर में कैसे बन के आना पड़ता है यार, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के चक्कर में। अच्छा, अब चले अंदर बेडरूम में। चलो। अब चल जल्दी मेरी जान, अपना कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो ना मेरी जान, अब शुरू करते हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? मेरे ससुर ना 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाले, तो आज बहुत टाइम है मेरी जान। अरे उसका क्या भरोसा, क्या पता अभी टपक जाए। पापा जी, आप? चुप! आप, ये क्या है? अरे नौकरानी के वेश में तुम्हारा दोस्त? अरे बहू, अरे कैसी बहू है तू? अरे तुझे हमने सारी छूट दे रखी थी। अरे तुझे बहू ने अपनी बेटी की तरह से रखा था, और तूने हमारी इस शराफत का नजायज फायदा उठाया। नहीं पापा जी, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। एक शब्द भी आगे नहीं, गलत फहमी हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। बहू रानी, शक तो मुझे पहले से था, लेकिन मैंने कहा अभी देखता हूँ, अब मैंने सब कुछ देख लिया है। नहीं नहीं पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, और उनको मत बताना इस बारे में, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पापा जी। अच्छा अच्छा, क्या करिए तू? मैं अपने बेटे से कोई बात मत करूं? अरे कैसी बहू है तू, कैसी पत्नी है, इतने गुल खिला रही है तो अपने बेटे को ना बताऊं? अरे नवाब इधर देख, तू लड़की के भेष में क्या कर रहा है तू? किसी का घर क्यों बर्बाद कर रहा है? निकल यहां से। पापा जी मुझे एक मौका दे दीजिए पापा जी, प्लीज पापा जी। नहीं, कोई मौका नहीं, समझ गए तुम? देखो अब तो डाइवोर्स हो गया होगा, अपने बेटे से बात कर लूंगा, निकलो यहां से, और डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। गेट आउट।
आउट, निकलो यहां से। बताओ हमारी शराफत का कितना नजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे मेरा बेटा विदेश में गया दो पैसे कमाने के लिए, उसके पीछे उसकी बहू, क्या हो रहा है समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, अब बेटे से बात करूंगा, डिवोर्स तो करवा कर छोड़ूंगा इनका।